करीना कपूर ने प्रेग्नेंट होने पर सबसे पहले किसको दी थी गुड न्यूज, ये हैं वो शख्स। क्या आप जानते हैं ब्रह्मास्त्र से पहले संजय लीला भंसाली की इस फिल्म में बनने वाली थी रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की जोड़ी। असम रियाज की बेरुखी देख फूट फूट कर रोए हैं सिद्धार्थ शुक्ला, सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ हैशटैग स्टे स्ट्रॉन्ग सिद्धार्थ। पारस छावड़ा के बेघर होते ही शहनाज गिल ने कर दिया है अपने प्यार का इजहार, रो रो कर बोल दी दिल की बात। एक्स कपल रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण एक बार फिर से करेंगे एक साथ काम, ये होगी उनकी फिल्म। वेल गाइस, दिस इज सोनम एंड आई एम बैक विद अनदर गॉसिप एपिसोड ऑफ ई बस। तो फिर करते हैं शुरुआत, किस बात का करें इंतजार। करीना कपूर की फिल्म गुड न्यूज आने वाली है जिसमें वो एक प्रेग्नेंट लड़की का किरदार निभाने वाली हैं और इन दिनों वो अपनी फिल्म को जमकर प्रमोट करने पे लगी हुई हैं। एक इवेंट के दौरान उनसे पूछा गया कि जब वो सबसे पहले प्रेग्नेंट हुई थी तो उन्होंने ये खबर किसको दी थी, तो उन्होंने जवाब में कहा कि उन्होंने ये खबर सबसे पहले अपने पति सैफ अली खान को सुनाई थी और कई सारे जिक्र और राज उन्होंने इस इवेंट के दौरान खोले। वेल गाइस, बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे क्यूट कपल रणबीर कपूर और आलिया भट्ट एक दूसरे के साथ जल्द ही ऑन स्क्रीन दिखने वाले हैं। दोनों डायरेक्टर आयान मुखर्जी की फिल्म ब्रह्मास्त्र में दिखाई देंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इससे पहले भी ये दोनों एक साथ काम करने वाले थे, लेकिन ये फिल्म बनते बनते रह गई। दरअसल रणबीर कपूर ने एक पुराने इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया है कि वो आलिया भट्ट के साथ और डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के साथ बालिका वधू नाम की फिल्म में काम करने वाले थे। इतना ही नहीं, इस फिल्म के लिए उनका एक फोटोशूट भी हो चुका था। तो गाइस, बात करेंगे बिग बॉस के घर की, तो इस समय सोशल मीडिया पर कुछ फोटोज वायरल हो रही हैं। इन फोटोज में आपको सिद्धार्थ शुक्ला फूट फूट कर रोते हुए दिखाई दे रहे होंगे। सिद्धार्थ शुक्ला का रोना देख फैंस भी बहुत बुरा फील कर रहे हैं। वो अपने रिएक्शन देते हुए सिद्धार्थ शुक्ला को सपोर्ट भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हैशटैग स्टे स्ट्रॉन्ग सिद्धार्थ ट्विटर पर ट्रेंड भी कर रहा है। दरअसल बिग बॉस के घर में एक बार फिर से सिद्धार्थ शुक्ला और दोस्त असीम रियाज के बीच में काफी बहसबाजी देखने को मिली और उनकी बेरुखी से परेशान सिद्धार्थ शुक्ला रोते हुए नजर आए। वहीं दूसरी ओर बिग बॉस 13 के इस घर में शहनाज गिल ने सबके सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया। आज के एपिसोड में शहनाज गिल रो रो कर सबके सामने इस बात का खुलासा करते हुए नजर आएंगी कि वो पारस छाबड़ा से प्यार करती हैं। बिग बॉस का नया प्रोमो इस बात का गवाह है कि पारस छाबड़ा आने वाले एपिसोड में घर से बेघर होने वाले हैं और पारस छाबड़ा के घर से बेघर होते ही काफी लोग हैरान होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पारस बिग बॉस के घर में लगातार लाइमलाइट में बने हुए थे। पारस के जाने से घर में कई लोग काफी दुखी भी नजर आने वाले हैं। वेल गाइस, बात करेंगे अब एक्स कपल की, तो फिल्म तमाशा के बाद एक बार फिर से रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण स्क्रीन स्पेस शेयर करते हुए नजर आएंगे। जैसा हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर लव रंजन, एक्टर अजय देवगन, दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर के साथ एक फिल्म बनाने वाले थे। अजय देवगन अपने बिजी शेड्यूल के कारण इस फिल्म को नहीं कर पाएंगे, इसी वजह से लव रंजन का ये प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया है। लेकिन हाल ही में अभी खबर आई है कि दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर की जोड़ी बड़े पर्दे पर फिर से नजर आ सकती है। सो गाइस, आज के एपिसोड में बस इतना ही, कल फिर हम हाजिर होंगे कुछ और गॉसिप डोज के साथ, लेकिन तब तक आप रखिए अपना ख्याल, कीजिए इस वीडियो को लाइक शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दी बेल आइकन। टेक केयर, बाय बाय।